कुशलभाऊ ठाकरे पत्रकारी डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी अध्यक्ष आज के इस आयोजन समिति में आज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे अग्रज मेरे पूज्य आज के मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम जी शर्मा यहाँ संयोग से हम सबके बीच सुखद उपस्थिति देने वाले आदरणीय श्री तुषार बाबू आप दंडकारण्य समाचार बस्तर के संपादक हैं और अपने छत्तीसगढ़ की आंचलिक पत्रकारिता में सबसे अच्छे योगदान करने वाले हमारे मित्रों में अग्रजों में एक हैं। मेरे बड़े भाई श्री गुणलाल वोरा संपादक प्रधान संपादक अमृत संदेश सरकार ने राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त आदरणीय श्री लीला राम की भोजवानी श्री श्याम बैस जी भ्राता वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार श्री रमेश नैयर जी अग्रज श्री बसंत तिवारी जी हम सबके पूज्य और वरेण्य छत्तीसगढ़ के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पांडे जी छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय से छत्तीसगढ़ को दिशा प्रशासनिक दिशा देने वाले आदरणीय श्री एस मिश्रा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिरा मिश्र मेरे भ्राता श्री भाकरे जी श्री गगन जी डॉक्टर जनस्वामी जी पसरीजा जी आदरणीय बिहार साहब श्री अग्रवाल जी डॉक्टर जनस्वामी जी श्रीमती बोस श्री तिवारी जी का विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें देने वाले सम्माननीय प्राध्यापक सभी का आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक प्रसंग ऐसा कुछ दुखद आ गया जिस पर आदमी का बस नहीं चलता। हम सबके आदरणीय पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रहे पंजाब के गवर्नर रहे श्री अर्जुन सिंह जी का कल आकस्मिक निधन हुआ। इसके कारण राज्य में एक शोक की लहर है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। उसके साथ कुछ और निकटवर्ती मित्रों के नाम आपको डॉक्टर सुभद्रा राठौर ने बताए जो दिवंगत हो चुके उनकी स्मृति में इस आयोजन को हमने काफ़ी सहज और सरल रखा है कुछ तामझाम के बिना। एक और संयोग ऐसा कुछ जुटा है कि इस संगोष्ठी को एक बार पहले हम स्थगित कर चुके थे इसलिए दूसरी बार स्थगित करने का कठिन दौर सामने आ रहा था। इसकी 8 तारीख को ये संगोष्ठी होनी थी उसके बाद ये तारीख चुनी। अब इसके बाद भी स्थगित करना जरा असुविधाजनक होता क्योंकि दिल्ली से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र श्री रविंद्र शाह जी वर्तिकानंदा जी आ चुके हैं भाई साहब राधेश्याम जी शर्मा इस उम्र में भी चंडीगढ़ के पंचकुला से इतनी लंबी यात्रा करके हमारे बीच में पधारे हैं। ये सब गौरवशाली व्यक्तित्व हैं जो छत्तीसगढ़ में यदा कदा इनके आगमन की स्थितियां बनती हैं पर हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम उनका आज यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। एक संगोष्ठी कल श्री संजय द्विवेदी ने प्रेस क्लब में रखी थी। उसका आशय था छत्तीसगढ़ में मीडिया के विकास औद्योगिक विकास में मीडिया की भूमिका। कल जो सवाल उभरे उससे मुझे मूल अपने विचारों को व्यक्त करने के पहले कुछ नई दिशा मिली। आदरणीय तिवारी जी ने उस विषय को बसंत तिवारी जी ने काफी विस्तृत स्वरूप में प्रस्तुत किया कि राज्य कैसे बना उसकी अपेक्षाएं क्या थी। यहाँ थोड़ा सा हटकर एक विषय आया है भारतीय पत्रकारिता मुद्दे और अपेक्षाएं। मुद्दे पत्रकारिता के भी हैं मुद्दे आम नागरिक के भी हैं मुद्दे समाज और राष्ट्र के भी हैं। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो एक पत्रकार हैं श्री चावड़ा जी एस चावड़ा उन्होंने कहा कि मिश्रा जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं आपकी पत्रकारिता में आम आदमी कहां है।
आज पता नहीं वो यहाँ है कि नहीं उपस्थित अभी, किंतु उनके सवाल ने सचमुच हिला कर रख दिया। मीडिया का बाजार ये कहता है कि हमने आम आदमी के लिए नहीं है, सिद्धांत तो है किंतु कारोबार में नहीं है, इसलिए कि 80% आबादी गरीब और कम साक्षर है। मीडिया को चलाने के लिए जो धन लगता है वो उससे प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम खास वर्ग के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यदि मेरे आंकड़े गलत ना हो तो हम 20% आबादी को आज देश में पूरी तरह कैटर कर रहे हैं और 20% आबादी को हम सूचनाएं दे रहे हैं। इस तरह हम आधे प्रतिशत में बटे हुए हैं, आधा भाग हमसे सीधा जुड़ा हुआ है और आधा भाग केवल सुनी सुनाई बातों पर जो आपस में चर्चा में आ जाती है, जिसको कहना चाहिए कि मुंह से व्यक्त की गई बात कानों तक पहुंची बात, इससे जुड़ा रहता है मीडिया में। यह सवाल बड़ा मौजू है कि मीडिया आज का समय कौन सा है, मीडिया आज कहां खड़ा है, किस चौराहे पर मीडिया को सुकून मिल रहा है, क्योंकि सुकून केवल एक पक्षी नहीं होता, सुकून चतुर्मुखी होता है। भारत में पत्रकारिता का उद्भव अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के ही एक साथी हिकीज द्वारा जब किया गया, तो उन्होंने उसकी भूमिका में मुद्दा यही रखा कि अंग्रेज यहां सत्ता में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करते करते कौन सी गलतियां कर रहे हैं, या कैसा अत्याचार कर रहे हैं, या किस तरह की अयाशियां कर रहे हैं। उसका नतीजा यह निकला कि उनको ब्रिटेन वापस बुलाया गया, उनको सजा दी गई और उस जमाने में उन पर 500 रुपए आर्थिक दंड दिया गया। 21 गजट की जिस परिस्थिति में 21 गजट शुरू हुआ, उसकी जो धुंध भारतीय समाज पर आई वो आज तक छठी नहीं। आजादी के कालखंड को छोड़ दें जिसमें मीडिया की अहम भूमिका रही, तो 21 का वो भूत आज के मीडिया पर भी दिखाई देता है कि हम केवल अपराधों के दस्तावेज कहीं बनते तो नहीं जा रहे हैं। कल मैंने बात पुलिस महानिदेशक महोदय की उपस्थिति में कही थी कि हम पुलिस का रोल मानता नहीं, और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम राजनेताओं के, पुलिस के, प्रशासन के लिए आईना लेकर नहीं खड़े हैं, इससे आगे नहीं हमारी भूमिका है। और वो भूमिका है कि हम यदि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले पत्रकारों ने देश के लिए कुछ अच्छा करके दिया है, एक आजाद हिंदुस्तान दिया है देश को, तो आजादी के दौर के सारे सुख उठाने वाले पत्रकार अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अंग्रेजों के जमाने में ही लॉ ऑफ डिफेमेशन, मानहानि का कानून और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये बना था, वो जैसा का तैसा आज चल रहा है। मीडिया के छटपटाहट है, एक मुद्दा है मीडिया का कि इस कानून से वो दाएं बाएं बचकर न निकले, वास्तव में उसको उतना संरक्षण मिले, कानून आज उसको वो संरक्षण नहीं देता। किसी विवाद पर कोई आदमी आरोप लगा देता है कि पत्रकार बिका हुआ है, और यदि मैंने इसको पैसे नहीं दिए तो इसके हमने इसने हमारे चेत धन की कोशिश की है, चलिए कोर्ट में आइए। न्याय की व्यवस्था कुछ ऐसी है, माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं बिहार साहब, कि वर्षों कचहरी के चक्कर लगाते पत्रकार भी और उसके मालिक भी कीड़ियां घिसते रह जाते हैं, ये पत्रकार की त्रासदी है। दूसरी त्रासदी यह है कि जो पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है उसका कितना सोच भारतीय जनमानस को शैक्षिक और अनुशासित जीवन देने का है, वो स्वयं कितना शैक्षिक और अनुशासित जीवन में है, ये मीडिया के लिए अपना सवाल है। एक कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सब की अपनी व्यवस्थाएं हैं। कार्यपालिका के लिए एक से एक अधिकारी हैं, विधायिका के लिए वार्ड मेंबरी से लेकर के पार्लियामेंट तक जाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, आदमी मचते 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 वहां तक पहुंचता है या बहुत सी शिक्षाएं उस संबंध में भी प्राप्त करता है। न्यायपालिका की स्थिति करीब करीब ऐसी ही है, विधि क्षेत्र के विधिजन व्यक्ति तो उसमें जाकर ऊंचे पदों पर रहते हैं और न्यायदान करते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के अभी अभी के उपक्रमों से यहां जो कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय आया है,
उसको देश के कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो पत्रकारिता निर्द्वंद निर्भय असीम और बिना किसी दायरे के फलने फूलने वाला कारोबार रहा है। इसमें एक बड़ी जंजीर इन दिनों देखी जा रही है, वह देखी जा रही है पूंजी के लालची व्यक्तियों की। वो अपने स्टाफ के पैर में 20 किलो का पत्थर बांधते हैं और कहते हैं देश को आगे ले जाने में मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। ये बड़ा कठिन सवाल है, इस मुद्दे पर भी मीडिया में विचार को ऐसी मेरी अपेक्षा है। कोई आदमी अतिरेक में भी यह ना कहे कि मीडिया तो चलताऊ हो गया है, कुछ भी छापता है, मीडिया खराब हो गया है, उसका स्वरूप खराब हो गया है। आज दिन भर जो गोष्ठी चलेगी उसमें इस बात पर विचार होना चाहिए कि मीडिया, ये तो बड़ा कठिन है प्रजातंत्र में, भगवान राम के रामराज्य से चल रहा है हमारे देश में प्रजातंत्र, कि धोबी के लांछन से महा सीता भी नहीं बची, हम भी ऐसे लांछनों से बच नहीं पाएंगे। किंतु हमारी आत्मा निष्कलंक रहे, हम स्टेनलेस कैरेक्टर के रहें और जितना बन सके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहकर पत्रकारिता कर सके, हमारी भारतीयता हमारी पहचान हो, विदेशी पत्रकारिता हमारी पहचान न हो जिसमें शराब कबाब शबाब सारी बहुतें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। भारतीयता में मूल्याधारित जीवन है, उस मूल्याधारित पत्रकारिता के हम पुरोधा हैं और हम केवल अपनी इस पीढ़ी को जो आ रही है सामने, हम मूल्याधारित पत्रकारिता जोड़कर क्या कर सकते हैं, यह हमारे विचार का विषय आज हो सकता है। मैं पिछले यहाँ तिवारी जी बैठे हैं, कल जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पत्रकारिता के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तो मुझे लगा कि हम कितने गौरवशाली हैं कि हमने इतना कालखंड कैसे गुजार लिया। मुझे भी लगभग 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह कोई सामान्य समय नहीं है। कल मैं कह रहा था कि भारत की औसत आयु के बराबर समय हो जाता है ये। हमने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, राजनेताओं की राजसत्ताओं को परिवर्तित होते देखा है, अपने ऊपर आपातकाल झेला है जिसमें मीडिया की सारी स्वतंत्रता एक जगह जाकर केंद्रित हो गई थी। आप कल्पना करिए कि जो लोग जेल में थे उनको तो सुकून था कि जेल का जेलर आकर के पूछ लेता था खाना मिला कि नहीं मिला, पर हमारे सामने आने वाला हर व्यक्ति हमें देखकर ऐसा मुंह कर लेता था कि कहीं उनसे भेंट ना हो जाए। मैंने बड़े से बड़े नेता को अपने सामने भागते देखा है कि वो भवन कहीं मेरे सामने ना आ जाए। इस तरह का सामाजिक तिरस्कार उस समय के दौर में राजनेताओं का हमने भोगा है, हम उसे जब याद करते हैं हमारे साथी कई गुजर गए आपातकाल झेलते झेलते। किंतु दोबारा मीडिया में यह नौबत ना आए कि हम कोई आपातकाल झेले, ये नई पीढ़ी का दायित्व तो होगा कि वो किसी भी प्रकार के आपातकाल को न उठने दे। मैं बहुत खुश होता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब श्याम बेताल जी, बसंत तिवारी जी, रमेश नैयर जी कुछ लिखते हैं और वो समय का सापेक्ष चिंतन होता है, समय की नब्ज पर हाथ रखने वाला चिंतन होता है, कुछ ऐसा करें कुछ ऐसा लिखें कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें यह ना कहे कि साहब उनके जमाने में ऐसा कुछ हो गया, हमें तो कचरा ढोते बहुत समय लग रहा है। बल्कि हम ऐसी बागवानी करके जाएं, ऐसे गुलशन तैयार करके जाएं कि जिसमें पत्रकारिता की नई पीढ़ी फले फूले और समाज के लिए एक सुगंधित समीर फैलाती रहे, अच्छे विचार देते रहे। सुबह कि यार क्या अखबार निकला है, पढ़ते पढ़ते ऐसा ना लगे कि अब आप 2 बजे 3 बजे देखेंगे, सुबह सुबह कौन अपना दिन खराब करे। मैंने एक पुस्तक लिखी है भारतीय पत्रकारिता मुद्दे और अपेक्षाएं, मैं ऋणी हूं भाई रमेश नैयर जी का, वास्तव में इनकी प्रेरणा से मैंने वो पुस्तक लिखी है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुझे कि आप पत्रकारिता की पुस्तक लिखी है और मैं 41 दिन जब बंबई अस्पताल में था, अभी 2 महीने पहले मैं लौटा हूं अस्पताल से, तो अस्पताल में लिखते बैठे बैठे मेरे मन में विचार आता गया कि मैंने कुछ करना चाहिए और भगवान ने मुझे उस ऋण को चुकाने के लिए जो इस पीढ़ी के लिए कुछ सौंपने की बारी की बात है शायद मुझे पुनर्जीवन दिया। मैं आपके बीच में आया उस पुस्तक को लेकर के, मैं समझता हूं कि जीवन के अंतिम क्षणों तक यदि मैं कुछ प्रकार का लेखन करता रहा तो मैं समझूंगा जीवन सार्थक है। मौत भी आई तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे एक कालम लिख लेने दे फिर चलता हूं, पर मेरा एक ही आग्रह नई पीढ़ी से है जो कल भी बात मैंने कही थी कि हमने रोशनी के लिए दिया जलाया है
आप सूरज बनकर इतना प्रकाश दें कि समय का कोई कालखंड किसी अंधेरे से घिरा न रहे। धन्यवाद।